नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं और चौथे चरण के परिणाम आने के बाद पांचवें और छठे चरण के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन का भी प्रोसेस जारी है। इसी कड़ी में एक ताजा मामला बिहार के गोपालगंज जिले से सामने आया है। थावे प्रखंड मुख्यालय में वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन करने पहुंची एक महिला प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिहार में कल तक महागठबंधन में साथ रहे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। ताजा बयान बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा का है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को राजद से अधिक धर्मनिरपेक्ष करार दिया है। कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर उनका अपना अलग स्टैंड है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। इस क्रम में उनके कई बयान भी ऐसे आ रहे हैं जो सत्ताधारी दलों के गले की फांस बनते जा रहे हैं। नतीजा है कि भले ही सभाएं यूपी में हो रही है, लेकिन उनकी आज बिहार की सियासत में भी गर्म नजर आ रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि राजद की जिताने के लिए लड़ रही है। महागठबंधन के दोनों बड़े दलों के बीच तीखी बयानबाजी केवल दिखावा है। चुनाव बाद दोनों फिर से एक सुर में बोलने लगेंगे। करवा चौथ इस साल सुहागनों के लिए शुभ संकेत लाने वाला है। ये पर्व 24 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जा रहा है। रिवाज है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 24 अक्टूबर की सुबह 3:01 से शुरू होकर 25 अक्टूबर की सुबह 5:43 तक रहेगी। वहीं इस बार करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि आज शाम 6:55 से लेकर 8:51 तक रहने की बात कही गई है। बिहार विधानसभा की दो सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने परवान पर है और सत्ता हो या विपक्ष सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चुनाव प्रचार से पूरी जान से लगे बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद के पटना आगमन से अब खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने दावा किया है कि दोनों जगहों पर राजद की जीत होने वाली है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता अल्लू मियां को लखनऊ में शनिवार रात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में पुलिस ने अल्लू मियां को फन मॉल के पास से पकड़ा है। अल्लू मियां को लखनऊ में जमीन कब्जा करने, जालसाजी और रंगदारी मांगने के आरोप में वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के रिकॉर्ड बनाए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की है जिसमें कहा गया है कि इस साल पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड 23.53 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार से दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में रहेंगे। सीएम योगी आज दोपहर गोरखपुर पहुंचेंगे और वहां पर विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेते देखे गए। सीएम योगी यहां 180 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते देखे गए। अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी किसानों और स्वयं सहायता समूह के 70 करोड़ रुपये वितरित भी उन्होंने किए। चीन और रूस में कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। यही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में महामारी की नई लहर परेशान कर रही है। ब्रिटेन में वायरस में हुआ बदलाव डरा रहा है और रोज 40,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, तो वहीं रूस में आए दिन लगभग 1,000 लोगों की जान जा रही है। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्यों को कोविड एडवाइजरी जारी की है और लोगों से ऑनलाइन शॉपिंग करने का आग्रह किया है। केंद्र ने अपनी एडवाइजरी में लोगों से जितना संभव हो उतना यात्रा करने से बचने का भी आग्रह किया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आगामी त्यौहार अत्यधिक सावधानियों के साथ सुरक्षित तरीके से मनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन, जिसमें हेल्थ वर्कर के योगदान, सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की जयंती, संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्वच्छता, त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने त्योहारों पर लोकल खरीदने की बात की है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक के बाद एक कई टीवी विज्ञापन को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। सीएट टायर फैब इंडिया के बाद अब डाबर के भी एक विज्ञापन को लेकर लोग ट्विटर पर आपत्ति जता रहे हैं। त्यौहार के मौसम में ब्रांड क्रिएटिविटी स्टाइल में एड शूट कर रहे हैं। करवा चौथ, दिवाली, धनतेरस पर दर्जनों एड बन चुके हैं। अपने विज्ञापन से कंपनियां जो संदेश दे रही हैं, कई बार वो लोगों को पसंद नहीं आता है। भारी सुरक्षा के बीच गृहमंत्री अमित शाह रविवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे और वहां पर आईआईटी समूह के नए कैंपस का उद्घाटन किया। बता दें कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद शाह का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। अधिकारियों ने बताया कि आईआईटी जम्मू का नया परिसर 210 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें छात्र के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। शांति भंग करने वालों को सफल नहीं होने देने और संबोधन में शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शुरू हुए विकास के युग को कोई भी नहीं रोक सकता है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शनिवार को कहा कि चीन की ग्लोबल ताकत हासिल करने की महत्वाकांक्षा के कारण दक्षिण एशिया की स्थिरता पर सर्वव्यापी खतरा है। आपको बताते चले कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव जारी है। जनरल रावत ने यह बात प्रथम रविकांत सिंह स्मृति व्याख्यान देते हुए कही है। देश में कोरोना रोधी वैक्सीनेशन मुहिम 100 करोड़ डोज के आंकड़े को पार कर चुकी है। इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी भी जताई है। हालांकि 100 करोड़ डोज के आंकड़े को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत अलग ही मिजाज रख रहे हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। हाल ही में संजय राउत ने कहा कि देश में 100 करोड़ डोज दिए जाने का दावा झूठा है, सिर्फ 23 करोड़ डोज दी गई है। भारतीय महिला वनडे और टेस्ट टीम की कप्तान मिताली राज के ऐसे फैन ने रिप्लाई के लिए भूख हड़ताल करने की बात कह दी थी। आखिर में क्या मिताली राज को रिप्लाई करना पड़ा? मिताली राज ने रिप्लाई करते हुए अपने जबरा फैन को जवाब दिया और लिखा कि कृपया भूख हड़ताल ना करें। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अक्टूबर में अब तक भारतीय बाजारों में शुद्ध बिकवाल बने हुए हैं। उन्होंने अक्टूबर में भारतीय बाजारों से 3,825 करोड़ रुपए की निकासी की है। इससे पिछले दो महीने में एफपीआई ने डेट या बॉन्ड बाजार में जबरदस्त निवेश किया है। उन्होंने सितंबर में बॉन्ड बाजार में 13,363 करोड़ रुपए और अगस्त में 14,376.2 करोड़ रुपए डाले थे। अदनान खान को लेकर यूपी में भाजपा ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया है। सोशल मीडिया में एक भड़काऊ पोस्ट को लेकर भाजपा और एसपी आमने सामने हैं। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर अदनान खान पर अखिलेश यादव के संरक्षण में हिंदुओं पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इस ट्वीट में अदनान का एक कथित फेसबुक पोस्ट भी शेयर किया गया है, जो बेहद आपत्तिजनक है। गुजरात सरकार ने लोक रक्षक दल की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य में 10,459 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन आईपीएस हसमुख पटेल ने ये जानकारी दी है। इसके तहत गुजरात सरकार द्वारा पुलिस और एलआरडी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ ही राज्य सरकार ने उम्मीदवारों की मांग को स्वीकार कर लिया है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने बीते दिन अपना 48वां जन्मदिन मनाया। मलाइका अरोड़ा के बर्थडे पर उन्हें कई लोगों ने बधाई दी है, लेकिन इस खास मौके पर मलाइका के बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर उन्हें विश करके ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। अर्जुन कपूर ने मलाइका को विश करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अपने इस पोस्ट के लिए अर्जुन कपूर को सोशल मीडिया यूजर ने जमकर ट्रोल किया है। न केवल अर्जुन बल्कि मलाइका अरोड़ा को भी यूजर ने आड़े हाथों लिया। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब बढ़कर 31% हो गई है, जबकि पहले यह दर 28% थी। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2021 से लागू हुई है और इस केंद्र सरकार के ऐलान से करीब 47 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की तबियत बिगड़ गई है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आशीष मिश्रा पर जानबूझकर किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस मामले में कोई नई जानकारी निकलकर केस सामने फिलहाल नहीं आई है। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, अधिकांश ट्रेनें फुल है। कई यात्री टिकट नहीं मिलने के कारण परेशान हो रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते भारतीय रेलवे ने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब बिना कंफर्म टिकट सफर नहीं कर सकते। ऐसे में पैसेंजरों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अगर आपको भी दिवाली या छठ के मौके पर अपने घर जाना है तो ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है, तो आप फ्लाइट से सफर आसानी से कर सकते हैं। स्थानीय अधिकारों के मुताबिक इस साल की पहली 3 तिमाहियों में करीब 36.89 मिलियन घरेलू विदेशी पर्यटक ने तिब्बत का दौरा किया है, जो सालाना आधार पर 15.2% अधिक है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक बयान में क्षेत्रीय पर्यटन विभाग के हवाले से कहा है कि जनवरी से सितंबर तक क्षेत्र का पर्यटन राजस्व एक साल पहले के 26.6% बढ़कर 42.4 अरब युआन हो गया है। बिहार सरकार में मंत्री में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी ने उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को परोक्ष रूप से धमकी देते हुए कहा कि बिहार में 4 सीट वाला अगर अपना पावर खींच लेता तो सरकार गिर जाएगी। इस दौरान उन्होंने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर भी जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर यात्रा की आलोचना की, साथ ही उनसे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को रणनीतिक रूप से टारगेट करने से रोकने की अपील की है। दरअसल अमित शाह अपने 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर है। इस दौरान आज उन्होंने यहां एक रैली को भी संबोधित किया। एनसीबी ने ड्रग मामले में अपराधी आर्यन खान एवं उनके मित्रों को लेकर नया दावा किया है। एजेंसी के अनुसार तहकीकात में सामने आया है कि ये लोग ड्रग से संबंधित लेनदेन के लिए डार्कनेट के उपयोग कर रहे थे। आर्यन खान ने ये भुगतान स्वयं की थी या फिर अपराधियों में से किसी ने की थी, एजेंसी ने फिलहाल इस बारे में साफ कुछ नहीं बताया है। इस केस में अपराधी आर्यन खान मर्चेंट एवं धमेचा ने जमानत के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है, ताकि उनकी याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
देश के कई हिस्सों में पिछले दिनों बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात के कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम के बदलने की संभावना जताई है। IMD ने राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वो मैदानी क्षेत्रों में गरज के साथ भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जता रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश या हिमपात हो सकता है। देश में कोरोना वायरस के नए मामले अब तक 15,000 के आसपास बने हुए हैं। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक होने से एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं, जो राहत की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 15,906 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 561 मरीजों की जान गई है। कुल जान गंवाने वालों की संख्या 4,54,269 पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, प्रहलाद जोशी, कुमार गौरव, सूरज सिंह, सोनू कुमार, विनय कुमार, दीपक कुमार, अमित कुमार, शोभा कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद क्या राजनीतिक समीकरण बिहार में बदलेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।